गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। दो तरह की जिंदगी में फिलॉसफी है, एक है सब गोलमाल है, सब झोल झाल है, यानी ढोल के भीतर पोल, बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा, सब कुछ दिखाना है, बाहर से बहुत अच्छा है, अंदर सब उल्टा फुल्टा पड़ा है, अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं लेकिन बाहर बहुत अच्छा दिख रहा है, एक फिलॉसफी। दूसरी फिलॉसफी है अंदर ठीक है, बाहर कैसा दिखता है फर्क नहीं पड़ता। जो पूर्वज हमारे आपके थे वो ये दूसरी फिलॉसफी को जीते थे कि अंदर से मजबूत रहो, अंदर से पुख्ता रहो और बाहर दिखाने की फर्जी कोशिश मत करो। लेकिन ये जो जनरेशन गैप आ गया, दो जनरेशन के बाद में सब उल्टा हो गया। आज की जो जनरेशन है वो बाहर से एकदम टिप टॉप, आईफोन, लग्जरी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, स्विस वॉच, राइट, इंस्टाग्राम में फोटो डालेंगे, यहां ये सब क्या है, बाहरी आडंबर। तो मेरा मकसद क्या है इस वीडियो बनाने का, मकसद ये है कि अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सक्सेस चाहिए और अंदर से खुशी चाहिए, दो तरह खुशी होती है, एक होती है एक्सटर्नल खुशी, एक होती है इंटरनल खुशी, तो मैं आपको जो वीडियो में फिलॉसफी बता रहा हूं आप उसको गहराई से सुनिए, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देने वाली है। हाँ, अगर आपको अगेन एंटरटेनमेंट चाहिए, जहाँ पे एंटरटेनमेंट है तो फिर हो सकता है आपके लिए वीडियो नहीं है, यू मे लीव नाउ। पर अगर कुछ डीप चाहिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सुनिए जाए गहराई से। एक स्टोरी सुनाता हूँ स्टीव जॉब के बारे में, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, जिसकी मैंने फ़ोन की बात करी। तो स्टीव जॉब के जो फादर थे, ही वॉज एन कार मैकेनिक, वो उनके रियल फादर नहीं थे, वो फादर थे जिन्होंने स्टीव जॉब को बचपन में अडॉप्ट किया था, क्योंकि स्टीव जॉब की जो मदर थी वो एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज गोइंग गर्ल थी, तो उनका उसी कॉलेज में किसी से अफेयर हो गया था, सो स्टीव जॉब उनके बच्चे थे, राइट। तो उनकी जो माता जी थी, स्टीव जॉब की मम्मी की जो मम्मी थी, यानी स्टीव जॉब की नानी, उनकी मम्मी ने बोला कि मैं इस बच्चे को, क्योंकि आप अनमैरिड हो, आई डोंट वॉन्ट कि जो चाइल्ड है आप इसको लीगली रखें, मैं चाहती हूँ आप इस बच्चे को किसी को दे दो, अडॉप्ट करवा दो। कट स्टोरी शॉर्ट, स्टीव जॉब को अडॉप्ट कर लिया गया और ये जो कार मैकेनिक थे इन्होंने अडॉप्ट किया। सो स्टीव जॉब के फादर ने एक बार स्टीव जॉब को बोला, जा बेटा बाहर ना, बाहर जो दीवार है उसमें पेंट करके आओ। स्टीव जॉब आई थिंक ही वॉज अराउंड 12 से 15 साल की एज में, तो स्टीव जॉब वेंट, उन्हें बाहर बहुत अच्छी पेंटिंग करी और अंदर जो साइड दीवार थी उसमें कुछ खास नहीं किया। सो स्टीव जॉब के फादर गए, बोला हो गया, बोला हाँ पापा हो गया। तो व्हेन ही लुक ही सेड वाओ व्हाट अ ग्रेट पेंटिंग आउटसाइड, बट जो उन्हें अंदर देखा तो बोले बेटा आपने अंदर कुछ अच्छा नहीं किया। तो स्टीव जॉब ने बोला पापा बाहर लोग देखेंगे, हु विल सी इनसाइड, अंदर कौन देखेगा। तो स्टीव जॉब के फादर ने बोला बेटा अंदर ना वी विल सी, अंदर हम और आप देखेंगे। एंड दैट इंसिडेंट गेव अ बिग लेसन टू स्टीव जॉब। सो वही सेम फिलोसफी लेके जब स्टीव जॉब अपनी मैकेंटॉस जो पहला कंप्यूटर बना रहे थे, तो उन्होंने अपनी टीम को बोला, डिजाइनिंग टीम को, बडी बाहर जैसा दिखता है मैकेंटॉस तो दिखते ही दिखता है, बट जो अंदर उसका जो होना चाहिए, जो अंदर जो कीवर्ड के जो अंदर चीजें लगी होती हैं, आई वॉन्ट दिस वुड बी वर्ल्ड क्लास, सो गुड फिनिशिंग की कोई अगर खोल के देखे दिस वुड बी अमेज। And that is why if you see Apple any product, finishing बाहर से भी अंदर से भी, you will find their world class। इसको बोलते हैं अंदर से मजबूत होना। अब मैं ये जो philosophy है आपकी ज़िंदगी से कैसे matter करती है, matter ये है कि आपको अंदर से अपने आप को निखारना चाहिए, यानी आप अंदर से पैसों की मजबूती होनी चाहिए, बिजनेस ऐसा करें जो पुख्ता हो, मजबूत हो, उस कंपनी का मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस सामान सेल करो बेचो जिसमें दमखम हो, सिर्फ पैसे बनाने के लिए कोई टाइम पास मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर लो कि आज कंपनी है कल भाग जाएगी, ऐसे बहुत कंपनी आती जाती है। वो कंपनी जो बहुत पैसे दे रही है उसी का बीमा मत बेचो, फाइंड सम गुड कंपनीज उसका सामान प्रोडक्ट करो, जिस जगह बहुत पैसे मिल रहे हैं लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है वो काम मत कीजिए, वो बाहर वाली बात होगी, अंदर से लॉन्ग टर्म चलना है, अंदर से निकालिए।
राइट आपके किसी दोस्त ने गाड़ी खरीद ली, आप अपनी गाड़ी से कंफर्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि उसने खरीद ली अब आपको टीस है, उसको दिखाना भी है, तो आपने क्या किया, गए गाड़ी खरीद ले, गाड़ी है आपके पास, ये आपको जरूरत ही नहीं गाड़ी की, लेकिन आप गाड़ी लेके आ गए, क्यों, अब आपको बनना है भाई, ये क्या है, बाहरी फिलॉसफी है, सब गोलमाल है, राइट। तो दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे तो ये बाहरी फिलॉसफी है, फिर जिंदगी भर गोलमाल चलते रहेंगे। अपने गोल सेट कीजिए, अपने लाइफ को खुद डिसाइड कीजिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए आप डिसाइड करें, पैसे कमाइए फिर खर्चिए, पहले बचाइए फिर इन्वेस्ट कीजिए फिर खर्चिए, या उल्टा चलते हैं, आते बाद में पहले भाई आना, पहले खस कर देते हैं, क्यों, क्रेडिट कार्ड स्वैप मार भाई, जोमेटो स्विगी खाना, जोमेटो स्विगी शॉपिंग शॉप, अब कुछ अब सब जगह जगह चल रहा है, पैसे तो आ ही रहे हैं, अरे भाई जितने आ रहे उतने खर्चों के तो होगा क्या, मैंने पहले वीडियो में बताया, इन्वेस्ट मनी ऑन योर सेल्फ, गॉट इट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरों को कॉपी मत कीजिए, दूसरों की इनकम, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की लाइफ, दूसरों की फैमिली, राइट, डोंट डू दैट, अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कीजिए, समझ रहे हैं आप, जिस कंपनी का प्रोडक्ट या आप, आपकी कोई बिजनेस है उसमें डीप जाके कुछ काम कीजिए। जैसे मेरा जो सेल्स का सिकंदर सिस्टम है, तो मैंने एक सर्वे किया जो सिस्टम में लोग जुड़े हुए हैं, मैंने उसमें एक सवाल पूछा कि आप लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, क्या आपको लगता है कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उससे 10 times की ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है? और अब आप बोलेंगे मैं अपने सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है उस सर्वे में ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि मैंने सर्वे किया तो उसमें हर बंदे ने बोला कि सर जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है इस मोर देन 10 times आई एम गेटिंग, दैट गिव्स मी व्हाट, अंदर से मजबूती, हेल्थ अंदर से मजबूती, ये नहीं कि बोल 6 pack बना लिए, ये गुब्बारे फुला लिए, अंदर से खोखला, ये सब टाइम पास बकवास है, जिम जाने की जरूरत नहीं, घर में ही अब देसी बन जाइए, आई डोंट लाइक जिम एंड ऑल, मैं घर पर ही जिम करता हूँ, राइट। लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये फास्ट फूड, ये भी आओ माओ चाऊ चाउमीन, ये सब जितना भी सब अटर मटर चल रहा है इनको साइड कर दीजिए, जरूरत नहीं आपको, सिंप्लिसिटी लाइफ में लाइए। आपको 10 phone होने की जरूरत नहीं है, आपके फेसबुक में 1000 friend होने की जरूरत नहीं है, आपके 10 friend बहुत हैं, समझ रहे हैं आप, आपको 10 business करने जरूरत, एक ही बिजनेस बहुत है आपके लिए, राइट। और अगर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में हो इससे दूर रहिए, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है यू शुड नेवर इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन विद एनी गर्ल और बॉय, बिफोर मैरिज सेक्स इज अपराध, पता है आपको हिंदू फिलोसफी में इसको अधर्म बोलते हैं, अपराध है ये, इसके इसके परिणाम बहुत गलत आते हैं, भुगतने पड़ेंगे अगर आप करोगे तो, मैं बता रहा हूँ आपको, यही है अंदर से मजबूत होना। इस वीडियो में कोई सेल्स की बात नहीं हो रही है, पर क्योंकि मुझे लगा कि बहुत लोग इस चैनल को देखते हैं तो मेरा ये फर्ज है कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलूँ, और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, मैं ऐसे ही आपसे दिल से बात कर रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने, पर मैं कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर से निकल के आ रहा है, अंदर से निकल के आ रहा है, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग, राइट। हेल्थ में अंदर से मजबूती लाइए, जेब अंदर से मजबूत कीजिए, यानी कि घड़ी 5 lakh की, जेब में पैसे 5000 rupees अकाउंट में, नहीं 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 अकाउंट में 5 lakh rupees और घड़ी 5000 की, ऐसा करो। बाबा राम जो कहते हैं मेरा पिन 2 rupees का है लेकिन अकाउंट में 1000 crore पड़े हुए हैं, मैं किसी को दे सकता हूं, आई लाइक इट, आई लव दिस फिलॉसफी, राइट। सिंप्लिसिटी लाइए जिंदगी में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने, आपको फैशन सब कुछ करना है, बट अंदर से ना एक कहते हैं आपके माइंड और सोल और आपका हार्ट, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए, आपकी सोल आपसे चीट ना कर, मतलब डू नॉट चीट योर सोल, दैट्स द पॉइंट। माइंड तो चीट करता ही है, बट जब आप माइंड से डीप चले जाएंगे अंदर, इसको ना दिल से बात करना, जैसे मैं अभी आपसे दिल से बात कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग, बिकॉज आई नो जो मैं बोल रहा हूँ ये हेल्प करेगा। सोल को अलाइन कर लीजिए, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, सोचिए गहराई से जिंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँचना है, सिर्फ पैसा ही पैसा पैसा भाग लोगे, सब सारा पैसा कमा के भी शांति नहीं मिलेगी, तो क्या पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पैसा कमाना, लेकिन सिर्फ पैसा ही लाइफ है, ऐसा नहीं है,
पैसे के अलावा बहुत सी जिंदगी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट right? लेकिन अगर पैसे नहीं होंगे तो लाइफ विल बी वेरी टफ। इसलिए मैं बोलता हूँ वर्क हार्ड टू बिकम सक्सेसफुल, डू वट एवर इट विल टेक टू बिकम सक्सेसफुल, डू वट एवर इट टेक्स, राइट, एथिकल, लीगल, डोंट बाय द फिलोसफी मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लेकिन पैसे के लिए अपना जमीर मत बेचिए, ये मैं कह रहा हूँ। पैसे के लिए अपने आप को मत खोइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइए, अपनी वैल्यू को मत दबाइए, किसी को अलाउ मत कीजिए कि आपको टाइम पास समझे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ वर्थ को समझिए। हो सकता है आपको आज पैसों का चैलेंज हो, तो क्या हुआ, ये जिंदगी है, चलता रहता है, आपसे नाउंस आएंगे। जीतेगा वही जो खेलेगा, गिरेगा वही जो प्रयास करेगा, खड़ा वही होगा जो गिरेगा, और जो गिर के खड़ा नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। कहते हैं बड़ी, किसी बड़े शायर ने बात बोली है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार शिद्दत से पत्थर उछाल कर तो देखो, राइट। तो लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, सपने देखते रहिए, अपने ड्रीम के ऊपर काम करते रहिए, मजबूती से पकड़िए अपने सपनों को, अपने गोल को दांतों के तले दबाइए और प्रयास कीजिए और काम कीजिए और लगे रहिए लगातार लगातार, और ज्वाइन कर लीजिए किसी एक ऐसी टीम को, एक सिस्टम को, जहां पे पॉजिटिविटी हो, एनर्जी हो और सिखाया जाता हो, सिर्फ मोटिवेशन ज्ञान ना हो, सिखाया जाता हो कैसे काम होता है। और लास्टली आई वॉन्ट टू फिनिश दिस वीडियो मिल्खा सिंह जी के उस शेर से, मैं मिल चुका हूँ मिल्खा सिंह जी से, मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे मिलने का मौका दिया। आज वो दुनिया से चले गए लेकिन उनकी उनकी बातें मुझे आज भी याद हैं, पर्सनल मीटिंग हुई थी मेरी उनके साथ में, और उन्होंने क्या बोला बताता हूँ। ये किताब उन्होंने इसको रिकमेंड भी किया, ये उनके साइन है, अगर आप देख सकते हैं तो, ये मिल्खा सिंह जी नाम लिखा ना, द फ्लाइंग सिख, इसी सिलसिले में मिला था मिल्खा सिंह जी से। उनका एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस बात का मतलब क्या है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने आप को मिटा दे, झोंक दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर कुछ चाहे, अगर जिंदगी में कुछ चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा अगर चाहे कोई, सब कुछ झोंक दे अपने आप को उसमें, क्योंकि दाना खक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना यानी जो अन्न बीज होता है, वो जब मिट्टी में मिल जाता है, जब किसान बीज को डालता है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, राइट, तो किसान जब खेत को जोत के दाना डालता है, दाना, राइट, गुले गुलजार होता है, दाना खक में, खक मानी मिट्टी, मिलकर गुले गुलजार होता है। जब वो धरती माता उस दाने को अपने आवरण में ले लेती है, तब वो दाना निकलता है और उससे एक पेड़ बनता है। वो पेड़ में बहुत सारे अनाज के फल लगते हैं, बहुत सारे, एक गेहूं के दाने में कम से कम 1000 के आसपास गेहूं के दाने होते हैं, 500 से 1000 के बीच में। वही दाना, एक दाना था, गुले गुलजार होता है, जब खक में मिल गया तो इतने सारे उसमें दाने लग गए। यानी 1 किलो अनाज कितना सारा गेहूं क्रिएट कर देता है। उस अनाज को जमीन में ऐसे बिखेरा गया और जमीन में गया तो निकल गया। ऐसे जिंदगी में आपको भी एक बार तो झोंकना पड़ेगा, एक बार तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक बार तो झोंक देना पड़ेगा, एक बार तो लगेगा, एक बार दर्द तो होगा, एक बार तो आंसू निकलेंगे निकलेंगे, एक बार तो पेन होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप कब तक अपने आप से भागोगे, कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाओगे, कभी तो अपने आप को फेस करना पड़ेगा ना यार। अगर आपकी शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, और अगर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा आपने ज़िंदगी में क्यों नहीं पैसा बनाया, आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं काम किया, आई एम नॉट सेइंग कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, कभी बोलेंगे पापा हमारे पास वो क्यों नहीं है, या पापा हमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप क्या जवाब देंगे, सोचिए। या क्या आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब घर में कोई इमरजेंसी हो जाए और पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी सामने हाथ फैलाना पड़े, क्या चाहेंगे ऐसा आप? या आपका बेटा या बेटी बोले पापा मुझे ये पढ़ाई करनी, ये कोर्स करना है, और आपके पास पैसे नहीं है, क्या चाहेंगे ऐसा? डू नॉट वेट फॉर इट, अपने आप से सवाल पूछिए। आज सोने से पहले शीशे के सामने खड़ा कीजिए और आंखों से आंखें मिला के देखिए और सवाल पूछिए कि क्या आप वाकई अपने लाइफ में वो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं, क्या उसकी कीमत चुका रहे हैं आप? उसका जवाब खुद को दीजिए और कमेंट करके मुझे बताना कि अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, राइट? मैंने जितना भी इस वीडियो बोला वो सब दिल से बोला,
और मैंने अपनी लाइफ के भी आपको एक्सपीरियंस शेयर किए कि मैं भी ऐसी था जो जितना भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी नॉलेज स्किल टैलेंट कॉन्फिडेंस सक्सेस या पैसा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि पेन लेने से जो डर लगता था उसको हटा दिया और फेल होने के डर से बाहर आ गया। इतना फेल होगी इतना फेल हो जाओ इतना फेल हो जाओ कि फेल होने के डर से फेल होने का डर ही लगना बंद हो जाए और अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दिया और करते रहे अभी भी कर रहा हूँ। लाइफ इज गोइंग ऑन। कुछ बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो सुन के अच्छा लगा होगा और अगर आपको ज़रा से भी हर्ट हुआ हो तो मैं चाहता हूँ कि हर्ट हो, नॉट विद अ बैड इंटेंशन, विद अ गुड इंटेंशन। कि कई बार जब चीज़ें हर्ट करती हैं तो ही हम डिसीजन लेते हैं, राइट। यस, आई एम अ हार्ड सेल्स कोच, आई एम अ हार्ड ब्रेक थ्रू कोच। मैं डिमांड करता हूँ लोगों से एक्शन, मैं पुश करता हूँ लोगों को हार्ड। आई आस्क देम, सो मी आपने क्या किया है, दिखाओ मुझे अपना पूरे हफ्ते का प्लान, मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा कर्मा है और मैं लॉर्ड कृष्णा की फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ। उन्होंने बोला कर्मा ही आपके इस कलयुग में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मैंने कर्मा छोड़ा है, अपने कर्मा से भी पीछे नहीं भागना ज़िंदगी में। दैट्स व्हाट आई बिलीव। इसीलिए जो लोग मेरे सेल्स का सिकंदर सिस्टम में लोग जुड़े हैं वो कहते हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे 10 times क्या 100 times की वैल्यू मिल रही है और बहुत बड़े विज़न के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बड़ा विज़न है, मिशन है। आप अगर उस विज़न मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सेल्स का सिकंदर जो सिस्टम है उसको एक्सप्लोर कीजिए और देखिए कैसे 3 to 6 months के अंदर आपकी लाइफ एक नए मुकाम पर जाती है। आप में से YouTube में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आप चाहते हैं जानना मेरे सिस्टम के बारे में तो क्लिक ऑन द लिंक, बुक अ 1-to-1 विथ मी, आई विल टेल यू हाउ इट वर्क। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर बींग हियर एंड फॉर शोइंग द पेशेंस कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।